सत्संग जी सद्गुरु म्यूजिक भोजपुरी चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार। लेट हो गया दास, कहीं जा नहीं पाया, घर नहीं पहुंच पाया, फिर आज अपना समागम है, आज संतों का दर्शन हो रहा है। दास और कुछ नहीं कहना चाहता, ये मिशन निरंकारी मिशन केवल एक यथार्थ मिशन है, चाहे संसार इसको देख ले, सुन ले, जान ले, ये मिशन केवल सत्य बातें ही कहता है। आप विचार करके देखें कि अगर ये भगवान शंकर का मंदिर यहाँ हो और कोई मुसलमान चाहे 5 बजे अल्लाह अकबर बोले, कोई नहीं बोलने देगा। लेकिन ये मिशन क्या कहता है, अवतार के अवतार वाणी में कह रहे हैं, कोई मुस्लिम मंदिर भीतर कलमा नहीं सुना सकता, कोई हिंदू गुरुद्वारे में नहीं आरती गा सकता, कोई सिख मस्जिद के अंदर वाहेगुरु नहीं जा सकता, मंदिर अंदर बैठ ईसाई गार्ड गार्ड नहीं गा सकता। ये पूरा सतगुरु जाति पात के झगड़े सभी मिटाता है, अकहे अवतार सभी बणों को एक साथ बिठाता है। आप विचार करके देखें, संसार वाले भी देखें, इधर बहने बैठी हैं, इधर महापुरुष बैठे हैं, कोई किसी के जात के बारे में नहीं पूछा किस बिरादरी के हो, किसी ने काले गोरे को नहीं देखा, किसी ने धनी गरीब की बात नहीं जानी, किसी ने विद्वत्ता अनपढ़ की बात नहीं जानी, और सभी इस जाना क्या कि परमात्मा को इन बहनों ने भी देखा है, परमात्मा को इन महापुरुषों ने देखा है, सब दूसरे का आगे पीछे बैठ के सजदा कर रहे हैं। दास एक मिनट और समय लेगा, दास की स्मारिका विश्वास की पढ़ रहा था, मान सिंह मान जी ने एक अपना विचार उस पर दिया है कि एक चिड़िया गर्मी का दिन है, गर्मी से तड़फड़ा रही है, एक वृक्ष के ऊपर बैठती है और उसके थोड़े ही देर बाद एक संत निवास में नीचे एक राही आके बैठता है, वो भी गर्मी से तप्त है, और जो है थोड़े देर के बाद वो निशाना लगाता है और चिड़िया मर जाती है। उसकी आत्मा जाती है जमराज के पास और कहती है कि मेरी क्या गलती थी कि उसने हमारी हत्या कर दिया। जमराज भी बड़ा परेशान होते हैं, उसकी आत्मा को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने क्या जुर्म किया, चिड़िया तो मारने की चीज है, शिकार करने की चीज है, आज संसार छोटे जीवों पर बड़े जीव ललायित हैं, सभी का कर रहा है, आज हमने एक चिड़िया मार दिया तो कौन सा भेजा किया। वो आकर के सुनाते हैं चिड़िया से, चिड़िया कहती है कि सवाल मेरा यह नहीं था, अगर वो शिकारी भेष में होता, वो तीर कमान लिया होता, मैं वहां साए में नहीं रहती, लेकिन वो लिबास क्या संत का था और उसने शिकार किया। तो दास ये कहना चाहता है कि मिशन किसी का रहन सहन, किसी का आवेश, किसी का वो नहीं बदलता है, विचारों को बदल देता है, अगर विचार बदल गए तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। दास इन्हीं शब्दों से समा जाएगा, प्यार सत्कार से कहे धन्यवाद। निरंकार जी।